आप चलो आप कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। मैंने माइग्रेशन पढ़ा, माइग्रेशन क्या होता है, हमने रीज़न पढ़े माइग्रेशन लोग क्यों करते हैं। तो देखा था कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, कुछ लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए करते हैं। अब उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी ऑफ सीन इन इंडिया। तो कह रहे हैं आप इंडिया में इसको कर सकते हो, इसका इफेक्ट सर क्या क्या, इसका इफेक्ट सर क्या क्या इफेक्ट होता है। आपको सोसाइटी में चेंज आते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन में चेंजेस आते हैं, इसको जो आप नोटिस कर सकते हो सर। अब देखो जरा, पहला आप स्टार्टिंग करें इकोनॉमिकल इफेक्ट से कि हमारे ऊपर इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन टर्म्स ऑफ मनी हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। वैन पॉपुलेशन माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज, जब लोग रूरल एरियाज से माइग्रेट करते हैं, इट रेड्यूसेस द प्रेशर फ्रॉम पॉपुलेशन ऑन लैंड। तो इससे क्या होता है, पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो लैंड से थोड़ा कम हो जाता है। द पर वर्कर आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी ऑन लैंड इंक्रीजेस, जो आउटपुट पर वर्कर जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है और जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है उस लैंड पर। एंड सो दैट डज पर कैपिटल इनकम, और उसी हिसाब से पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज होती है। ओहो काफ़ी अच्छे वर्ड्स आ गए मेरे को लग रहा है। मेरे को लग रहा है आगे प्रांश पर मेरे को एक वर्ड्स क्लियर करने पड़ेंगे। दो मिनट को रीड कर लेते हैं पूरा, फिर देखते हैं जाता हूँ मैं समझा पाऊँ, फिर जाता हूँ मैं समझा पाऊँ। दस फैमिली इनकम राइजेस विच इंक्रीज फार्मर्स टू अडॉप्ट बेटर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर इंक्रीजिंग फार्म प्रोड्यूस। दस माइग्रेट टू अर्बन एरियाज आर मोस्टली इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर, दे लिव अलोन वर्क एंड फार्मिंग एंड रेमिट देयर सेविंग्स टू देयर होम्स एट विलेजेस। रेमिट का मीनिंग लिखो ट्रांसफर करना। रेमिट मीन सर ट्रांसफर करना, ट्रांसफर। विच फर्दर रेज देयर इनकम, दिस पर्टिकुलरली हैपेंस इन केस ऑफ एमिग्रेंट्स टू फॉरेन कंट्रीज हु रेमिट लार्ज सम्स एट होम। चलो अभी यहाँ तक स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्कर आउटपुट और पर वर्कर प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी का मीनिंग तो पता होगा, पर वर्कर प्रोडक्टिविटी क्या है ये समझाता हूँ। आउटपुट आपको शायद नहीं पता होगा तो मैं आउटपुट का मीनिंग भी बताऊँ, पर वर्कर आउटपुट का मीनिंग भी बता रहा हूँ, ठीक है। स्टोरी सुनना ध्यान से। एक घर में 500 लोग हैं, एक घर में 10 लोग मान लेते हैं, 10 लोग है ना, एक घर में 10 लोग ठीक है। अब उस घर के लोग ना सारे एक ही काम करते हैं। सर वो काम क्या है, सपोज सर वो कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, खाना वगैरह बनाते हुए हैं, ठीक है। तो उन लोगों का काम है रोटी बनाना, चपाती बनाना, चपाती बेक करना, ठीक है। तो 10 लोग जो चपाती बेक करते हैं ना, 10 लोग टोटल मिलाकर वो 10 लोग पता है कितनी चपाती बेक कर पा रहे थे, 100। कितनी, 100। कितनी, 100, ठीक है 100, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था कि उनको 100 चपातीस बेक करके किसको देनी है, तो लोग 100 चपातीस बेक करते थे। अब क्या हुआ, उस घर में से ना 2 लोग और 2 छोटे बच्चे थे घर के जो काम करवाते थे, ठीक है। दो लोग जो छोटे बच्चे थे, बताओ ना, छोटे बच्चे ना पढ़ने के लिए US चले गए। कहाँ से रह गए, US चले गए। अब कितने लोग रह गए, 8 पीपल रह गए। तब वो 8 लोग में कितनी चपाती बनाने, वो तो 100 ही बनाएंगे, थोड़े कि 2 लोग से लगे तो वो 2 लोगों की हिस्सेगी कम हो जाएगी। उनके पास इतना ऑर्डर है वो तो उतना ऑर्डर पूरा करेंगे, वो 100 ही बना रहे हैं, 8 लोग ही 100 बना रहे हैं। तो देखो पहले बिफोर माइग्रेशन क्या था,
बिफोर माइग्रेशन क्या था आपका, 135 बना रहे थे मिलके। हंड्रेड से 35 आपकी मिलकर लोग, हाँ क्या हो गया सर, 135 आपके मिलकर लोगों का था 10। आफ्टर माइग्रेशन क्या हुआ, 135 बना रहे हैं, 10 ही 8 लोग हैं, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर क्या है, 10, यानी एक इंसान 10 से 35 बना रहा था उस टाइम पर। अब इंसान, एक इंसान कितना बना रहा है, 12.5, 12.5। तो आपको लगता है ये आउटपुट इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया। तो वो कह रहा है ऐसे लोगों के जाने से जो पर यूनिट ऑफ आउटपुट है, आउटपुट मतलब रिजल्ट, आउटपुट मतलब रिजल्ट, तो पर यूनिट जो रिजल्ट है, पर यूनिट जो काम है वो बढ़ जाएगा। पहले 10 लोग मिलकर 10 रोटियां बनाते थे, 100 रोटियां बनाते थे, अब 8 लोग मिलकर 8 बना रहे हैं, तो वो बढ़ गया, ठीक है। तो वो लिखा है पर यूनिट, पर वर्कर आउटपुट बढ़ जाएगा और पर वर्कर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड सो डज पर कैपिटल इनकम, और इसी तरह से पर कैपिटल इनकम भी बढ़ जाएगी। तो पर कैपिटल इनकम क्या होता है, पर कैपिटल इनकम मतलब होता है एवरेज इनकम ऑफ इंडिविजुअल इन अ कंट्री। एक कंट्री में किसी एक इंसान की एवरेज इनकम कितनी है, कितनी, सर ये कैसे बढ़ जाएगी, समझाओ लोगों की जान, सैलरी कैसे बढ़ जाएगी, नहीं सैलरी नहीं बढ़ेगी, एवरेज एवरेज इनकम है ये, है ये एक्चुअल इनकम नहीं पता, ये कोई अंदाजा पता है, अंदाजा एक एवरेज। सपोज करो एक कंट्री है जिसके अंदर 100 करोड़ से लोग रहते हैं, 100 करोड़, ठीक है। इन 100 लोगों को जो टोटल सैलरी मिलती है, टोटल जो ये पैसा कमाते हैं, वो एक कमाते 1000 करोड़, ठीक है। अब क्या हुआ, माइग्रेट हो गए 10 से 20 लाख लोग को माइग्रेट हो गए, है ना, 20 लाख लोग माइग्रेट हो गए, 20 करोड़ लोग, तो कितने लोग रह गए, 80 करोड़। लेकिन अब भी ये लोग पता क्या कर रहे हैं, 1000 करोड़ ही कमा पा रहे हैं दोनों मिलाकर, ठीक है। तो अब भी देखोगे आप तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इंसान कितने करोड़ रुपये तो कमा रहा है, 10 करोड़, यहाँ पर एक इंसान कितने करोड़ रुपये कमा रहा है, 12.5, एक इंसान कितने रुपये कमा रहा है, 12.5, वहाँ पर एक इंसान कितने रुपये कमा रहा है, 10 रुपये। तो 10 से ये देखो तो ये भी इंक्रीज वक्त नहीं हुआ, ये नहीं नीचे क्या हो रहा है, ये इंक्रीज वक्त नहीं हुआ, इंक्रीज हो गया। तो देखिए क्या फॉर्मूला आपने लगाया है, ये फॉर्मूला लगाया था टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। और ऊपर क्या था, टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, एक एक कंट्री में टोटल कितना पैसा कमाया जाता है, मतलब पर कैपिटल इनकम, इनकम ऑफ पर पीपल, इनकम ऑफ ईच पीपल, इनकम ऑफ ईच पीपल, एवरेज इनकम ऑफ, एवरेज इनकम ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। और कह रहे 10 से फैमिली इनकम राइजेस, इससे फैमिली इनकम भी राइज होती है। इससे फैमिली इनकम क्यों राइज होती है, कुछ लोग आपको पता है बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं बाहर चले जाते हैं, तो पर फैमिली इनकम बढ़ जाएगी। जैसे कोई एग्जाम्पल, एक कह रहे 500 कहते थे, वो 100 रुपये कमाते थे, अब 504 लोग रह गए, अब वो 100 रुपये कमा रहे हैं, तो जो कमाते नहीं था वो बाहर चले गए, तो पर यूनिट फैमिली की इनकम बढ़ गई। वो कह रहा है ना अम्बिश इनक्रेज फार्मर्स टू अडॉप्ट टू बेटर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि फार्मर को प्रमोट करती है, इंक्रेज करती है, क्यों क्या कर रहे हैं, और मशीनें खरीदे, इंसान को भी डिपेंडेंट रहेगा तो बाद में काम हो नहीं पाएगा, इंसान तो माइग्रेट करते रहेंगे, मशीन वगैरह देखो आप, ताकि आप अपना काम अच्छे से कर पाओ, देर वाइज इंक्रीजिंग फार्म प्रोड्यूस, ताकि आप अच्छे से अपना काम कर पाओ। एग्जाम्पल दे रहा है, दोज हु माइग्रेट टू अर्बन एरियाज आर मोस्टली इन द एज ग्रुप ऑफ 80 to 40 ईयर्स, वो कह रहे जो लोग गाँव से ठहराते हैं, दोज हु माइग्रेट टू अर्बन एरियाज, सॉरी जैसे माइग्रेट टू अर्बन एरियाज, हाँ जो शहर में आते हैं, शहर में आते हैं बेसिकली वो किस एज ग्रुप के होते हैं, तो वो कह रहा है वो 18 से 40 के बीच के लोग होते हैं, 18 to 40 के बीच के लोग होते हैं जो शहर से गाँव, जो गाँव से शहर में ट्रांसफर होते हैं, टू लिव अलोन, ये लोग अकेले रहते हैं,
देव अलोन है ना, दे वर्क अर्न एंड रेमिट देयर सेविंग्स टू देयर होम सैटरडे। फिर ये क्या करते हैं, कमाते हैं सेव करते हैं, कमाते हैं कुछ खर्च करेंगे कुछ सेव करेंगे, और उस सेविंग को क्या करते हैं अपने घर में रेमिट कर देते हैं, अपने घर में ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने गाँव में, ताकि जो आपके घर में अगर कुछ पैसा नहीं कमा रहा तब तो अपना खर्चा मीट आउट कर पाए। ठीक है, ऐसा जनरली होता है जब बच्चा फॉरेन कंट्री में जॉब लग जाए तो वो अपने इंडिया में क्या करता है, पैसे ट्रांसफ़र करता रहता है अपने पेरेंट्स को, ताकि उसके पेरेंट्स को कोई काम ना करना पड़े। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, सच रेमिटेंस फर्दर इंक्रीज रूरल इनकम। इस रेमिटेंस होता क्या है, इस रेमिटेंस से ज़्यादा अगर गाँव में आ रही इनकम है तो गाँव की इनकम भर गई, बच्चा यूटिलाइज टू मेक इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्म, जिसका यूज किस लेके जाएगा, तो किसानों के पास पैसा आएगा तो किसान अपने फार्म में ही लगाएंगे, तो इससे फार्म का इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, बीस फर्दर रेज देयर इनकम, जिससे फिर उनकी इनकम बढ़ेगी, काम अच्छा होगा तो इनकम भी बढ़ेगी उनकी। वो क्या, दिस पर्टिकुलरली हैपन्स इन केस ऑफ एमिग्रेंट्स टू फॉरेन कंट्री। ये जनरली तब होता है जब लोग फॉरेन कंट्रीज में ट्रांसफर हो जाते हैं, जब लोग फॉरेन कंट्रीज में ट्रांसफर होते हैं जनरली तभी ऐसा होता है कि अपनी सैलरी वगैरह भेजते हैं, तब वो अपनी सैलरी वगैरह यहाँ पर अपने सेविंग्स सेविंग्स कर करके भेजते हैं। जनरली लिखा होगा यहाँ पे, ये नहीं कि हमेशा बस बाहर जाके बच्चे पैसे भेजते हैं, लोग अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में चले जाए और पेरेंट्स लेकर पुरानी सिटी में ही रह रहे हैं तब तब भी वो पैसे भेजते हैं। ठीक है, एक बार रीड कर लो ये टॉपिक की वाला यहाँ तक पहले। कुछ चीज रह गई, ये छूट गई हो तो वीडियो को बैक कर लिया करो। ठीक है, अब आगे आते हैं, ऐसे अपने रीड कर लो, रीड नहीं कहते वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, मोर ओवर दीज माइग्रेंट्स, मोर ओवर दीज माइग्रेंट्स रिटर्न टू देयर विलेजेस ओकेजनली। हाँ, बल्कि ये लोग तो पता है बार बार ओकेजन्स पर बार बार अपने गांव वगैरह आते रहते हैं, अपने गांव वगैरह आते रहते हैं, दे ट्राई टू रेज द कंजम्पशन। ये फिर ये वहाँ पर क्या करते हैं, चीज़ों को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स बाय ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज, तो भारत से नए नए आइडियाज लेकर आएंगे जिससे वहाँ का थोड़ा डेवलपमेंट होगा, नए नए आइडियाज आएंगे वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा इंक्रीज होगा। ठीक है, मॉडर्न हाउस होल्ड गैजेट्स, वो सर यूएस से कोई बंदा इंसान आ रहा था, वो यूएस की जो टेक्नोलॉजी होती है वो वहाँ के गैजेट्स लेकर आएगा। ठीक है, अदर प्रोडक्ट्स लाएगा लाइक टीवी फ्रिज मोटरसाइकिल है ना एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चीज़ें भारत से लेकर इंसान आता ही आता है ना, जिससे वहाँ का क्या होता है हमारी जगह थोड़ा डेवलपमेंट होगा थोड़ा सा। हैव एंटर्ड इन द मेजोरिटी ऑफ रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, और ऐसे गाँव में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, वे लार्जर रेमिटेंस फ्लो फ्रॉम अर्बन एरियाज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा आता है अर्बन एरियाज से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा आता है अर्बन एरियाज से। फर्दर विद द एमिग्रेशन विद द माइग्रेशन ऑफ वर्किंग एज पर्सन टू अर्बन एरियाज, द नंबर ऑफ फार्म वर्कर्स रेड्यूस। वो कह रहा है इस माइग्रेशन की वजह से ना नंबर ऑफ फार्म वर्कर्स हैं वो रेड्यूस हो चुके हैं, क्यों, अब लोग फार्मिंग का काम ही नहीं करना चाहते तो वो शहर जाकर जॉब करना चाहते हैं, है ना। दिस लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयड फैमिली मेम्बर्स ऑन द फार्म सच एज वूमेन ओल्डर पर्सन इवन जुवेनाइल्स। ठीक है, तो अगर इससे ना एक अच्छा काम हुआ, कुछ लोग तो गांव चले, गांव से छोड़ गांव का काम छोड़कर शहर से ले गए जॉब करने के लिए, तो गांव में उनकी जगह खाली हो गई, उनकी जगह खाली हो गई तो और लोग काम कर सकते हैं, तो और लोग कौन कौन काम कर सकते हैं, तो लड़की वुमेन काम कर सकती हैं, ओल्डर पर्सन है वो काम कर सकते हैं, इवन जुवेनाइल छोटे छोटे लोग होते हैं 18 साल से छोटे 18 साल से एज कम के एज के जो लोग होते हैं वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर आउट माइग्रेशन वाइडेंस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन रूरल एरियाज एरिया फैमिलीज जिसे रिसीव लार्ज रेमिटेंस इन देयर इनकम राइजेस। वो क्या कह रहा है, फर्दर जो माइग्रेशन ऑफ माइग्रेंट इसकी वजह से थोड़ी इनइक्वालिटीज आ जाती है इनकम एंड वेल्थ में रूरल एरियाज की फैमिलीज के बीच में, रिसीव लार्ज रेमिटेंस एंड देयर इनकम राइजेस, मतलब
इनइक्वालिटी कैसे आती है सर? एक गांव में 10 लोग हैं, एक गांव में सर 10 फैमिलीज हैं, तो थोड़ी के 10ों के 10 फैमिली के लोग बाहर चले जाएँ, तो हो सकता है 10 में से दो ही फैमिली के लोग बाहर जाएँ, हो सकता है 5 फैमिली के लोग बाहर जाएँ, 5 फैमिली के ना जाएँ, तो 5 फैमिली में तो बाहर से पैसा आएगा तो वो 5 फैमिली थोड़ी सो जाएंगी, अब 5 फैमिली में पैसा नहीं आएगा बाहर से तो वो नॉर्मल लेवल पर रहेंगे अपने मीडियम लेवल पर, तो थोड़ी इनकम के लेवल पर थोड़ा सा देखे तो लेवल तो थोड़ा बिगड़ गया, थोड़ा बिगड़ जाता है, थोड़ा इनइक्वल हो जाता है, ठीक है। दिन में एक इम्प्रूवमेंट समझे फार्म्स, अब जिन जिन के लोगों के यहाँ पैसा आता है बाहर से वो क्या करते हैं अपने फार्म्स में क्या करते हैं इम्प्रूवमेंट करते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनकी इनकम फिर बढ़ती है। सम इवन बाय अदर फार्म लैंड सर, सम इवन बाय अदर फार्म लैंड, कुछ लोग तो क्या होते हैं बहुत सारे फार्म से खरीद लेते हैं, तो सब फैमिली बिकम रिचर, और ऐसी फैमिली बाद रिचर बन जाती है एज कम्पेयर टू अदर, और इनइक्वालिटीज बढ़ी जाती है, इनइक्वालिटीज बढ़ी जाती है। असर सोशल इफेक्ट क्या पड़ता है, ये तो ऊपर से हमने पढ़ा इकोनॉमिकल, असर सोसाइटी पर क्या फर्क पड़ता है। माइग्रेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द सोशल सेटअप ऑफ रूरल कम्युनिटीज, वो कह रहे हैं माइग्रेशन के सोशल स्ट्रक्चर हमारा चेंज होता है, इट वीकेंड्स द जॉइंट फैमिली सिस्टम, इससे जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट जाता है सर, लोग अलग अलग हो जाते हैं, लोग अलग हो जाते हैं, लोग बाहर से ले गए तो लोग बाहरी शादी वगैरह करके रिलाय रह जाते हैं, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो थोड़ा क्या हो जाता है वीक हो जाता है, तो माइग्रेंट सेटल परमानेंटली इन अर्बन एरियाज, अगर माइग्रेंट दूसरी जगहों पर हमेशा के लिए रहने चला गया था तो फैमिली छोटी हो गई ना, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का सिस्टम जो है वीक हो गया। विद द इंटरमिंगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स विद पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन इन सिटीज, दे ब्रिंग वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स व्हिच ग्रेजुअली चेंज ओल्ड वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ रूरलिटीज, वो कह रहा है इंटरमिंगलिंग, इंटरमिंगलिंग मतलब क्या, दो अलग अलग कास्ट के लोगों का मिल जाना, दो अलग अलग कास्ट के रीजन के लोगों का मिल जाना, यानी दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग हैं ना, उनका आपस में मिल जाना, यानी दो लड़के लड़की आपस में मिल जाए अलग अलग कास्ट के, तो फिर वो क्या करते हैं, वो नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, नए नए वैल्यूज लेके आते हैं, नए नए थाट्स लेके आते हैं, नए नए एटीट्यूड लेके आते हैं, जैसे वो पुराने पुराने वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, पुराने कस्टम्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं वुमेन प्ले अ ग्रेटर रोल इन द सोशल सेटअप, कह रहे हैं लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सोशल सिस्टम सोशल स्ट्रक्चर में, विद मैन हैविंग माइग्रेटेड टू टाउन, तो जिनके आदमी जिनके लोग जिनके हस्बैंड कहाँ से रहते हैं ट्रांसफर चल जाते हैं, तो ऐसे लड़के तो बहुत मतलब वो करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है, बस ये बताया है। यहाँ तक आपको होगा कि यहाँ तक पूरा आपको पूरे चैप्टर रीड करना है यहाँ तक, ठीक है, स्टार्टिंग से। होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है, फोर्थ वाला ये साथ साथ लर्न करते जाने हैं, ठीक है। ये जो हाईलाइट करते हैं ना यही आपको हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है, मतलब ये आपको होमवर्क है। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, ये नहीं तो और भी है, बस इतना ही आपको होमवर्क है, ठीक है, आपका ये होमवर्क है आपका।